आइए हम हमारे इस मिसाल के अंदर जो हम हस्बैंड की मिसाल लिए हैं इमरान, हम उनसे कहते हैं कि आपको तलाक देना है, आपको डिवोर्स देना है, ज़रा ये तो बताओ कि आखिर में क्यों देना है, आपको अपनी बीवी में क्या प्रॉब्लम है। हम देखते हैं नॉर्मली दो टाइप के प्रॉब्लम्स होते हैं, या तो ये कहना है कि वो अच्छी नहीं है, या तो ये कहना होता है कि वो अच्छी है लेकिन मेरे साथ अच्छी नहीं है। अगर वो अच्छी नहीं आपको लगता है तो प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है सही मुस्लिम में, उन्होंने कहा ला यफरक मोमिनुन मोमिनतन, कोई मोमिन मर्द मोमिन औरत से नफरत ना करे, फइन करिहा मिनहा खुलुकन रदिया मिनहा आखर, अगर कोई चीज उसमें है जो अच्छी नहीं लगती है कोई और चीज होगी जो अच्छी लगेगी। हम कहते हैं थोड़ा सा फिर से देखो अपनी बीवी की तरफ, आज तलाक देने की बात आप कर रहे हैं, फिर से देख लो अपनी बीवी की तरफ, आज जिंदगी भर के लिए अलग हो जाने की बात हो रही है, जरा एक बार देख लो उसमें कुछ तो होगा जो आपको अच्छा लगेगा। हो सकता है उसका ईमान, उसका अल्लाह पर भरोसा, उसकी इबादत, उसका अखलाक, जिस तरह से हो सकता है वो आपकी खिदमत करती है, या हो सकता है उसका पकाने का स्टाइल, या हो सकता है उसकी शक्लो सूरत, या हो सकता है उसकी बात करने का अंदाज, हंसने का अंदाज, कोई भी चीज देखो कुछ तो मिलेगा। फइन करिहा मिनहा खुलुकन रदिया मिनहा आखर, कोई चीज नहीं अच्छी लगती तो कोई और चीज मिलेगी जो अच्छी लगेगी। हो सकता है किस तरह से वो आपके बच्चों का ख्याल रखती है, या आपके माँ बाप और रिश्तेदारों के साथ होती है, कुछ तो मिल जाएगा। और जहां तक ये कहना कि वो मेरे साथ अच्छी नहीं है, तो आइए आज तलाक के हद तक बात पहुंच चुकी है, एक चीज आज कर लो। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया सूरह फुसिलत में सूरह 41 आयत नंबर 34, इदफा बिल्लती ही आसन, बुरी चीज का जवाब दो कुछ अच्छा करके, कुछ अच्छा कर लो आज। हो सकता है कि कोई लविंग मैसेज, हो सकता है फ्लावर्स का बुके, या हो सकता है आप घर आते वक्त केक लेकर आओ, या हो सकता है उसकी कोई चीज की तारीफ करो, या हो सकता है उसकी कोई कमी को माफ कर दो, दरगुजर कर दो। हम माफ करते हैं तो अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ करेगा। हो सकता है कि कहीं आउटिंग के लिए जाओ, कहीं आउट ऑफ टाउन जाओ, बहुत दिन हो सकता है आप नहीं गए हैं, कुछ तो ऐसा करो कि उसने अगर आपके साथ बुरा किया आप अल्लाह के लिए उसके साथ अच्छा करो। अल्लाह ताला ने वादा किया फ़ाइज़ल लदी बैनका व बैनहु अदावतुन कान्नहु वलीउन हमीम, फिर वो जिसके और तुम्हारे बीच में दुश्मनी थी बन जाएंगे करीबी दोस्त। अल्लाह का वादा है, अल्लाह का वादा सच्चा है। तीसरा पॉइंट, अगर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो कम से कम इतना करो, जल्दबाजी मत करो, थोड़े दिनों के लिए तो रुक जाओ, कुछ दिनों के लिए मामले को छोड़ दो, बाद में दे देना, कौन सी जिंदगी जा रही है, तलाक ही देना है, अलग ही होना है, थोड़े दिन बाद हो जाओ, थोड़े दिन के लिए छोड़ दो, क्योंकि अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अतानी मिन अल्लाह वल अजलतु मिन शैतान। सही जामे में हदीस है इत्मीनान अल्लाह की तरफ से है और जल्दबाजी शैतान की तरफ से है। आप व्यूअर्स में से किसी की जिंदगी हो सकता है आज मुश्किल हालात से गुजर रही है, या हो सकता है किसी की मैरिड लाइफ सेपरेशन की तरफ बढ़ रही है, तो आइए ये चीजों को अप्लाई करें अपनी जिंदगी में और अल्लाह की मदद मांगे। लेकिन कभी कभार प्रॉब्लम्स इतने सिवियर होते हैं, इतनी ज्यादा डिफिकल्टीज होती है कि हस्बैंड और वाइफ के लिए उन हालात में अलग ही हो जाना बेहतर दिखने लगता है। तो अगर कोई आगे बढ़ता है डिवोर्स की स्टेज की तरफ, तो आइए हम देखते हैं डिवोर्स से पहले क्या है। अल्लाह ताला ने कुरान में तलाक से पहले का एक स्टेज बताया, और हमने ईमान लाया है अल्लाह की किताब पर। हमारा ये मानना है कि अल्लाह जानता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है, और जो सिस्टम बताया गया है वो यकीनन कामयाब सिस्टम है। कुरान में सूरह निसा की आयत है सूरह 4 आयत नंबर 35, वइन खिफ्तुम शिकाका बैनहुमा, अगर तुम्हें डर है कि दोनों में अलायदगी आ जाएगी, अगर दोनों में अलायदगी डिवोर्स होने के चांसेस दिख रहे हैं, फब असु हकमा मिन अहलीही व हकमा मिन अहलीहा, तो एक हकम जज को बुलाओ, एक रिप्रेजेंटेटिव को बुलाओ, एक हो जो शोहर की तरफ से हो, एक हो जो बीवी की तरफ से हो। इन युरीदा इस्लाहन युवफ्फिकिल्लाहु बैनहुमा, अगर दोनों सुलह चाहते हैं तो अल्लाह दोनों को मिला देगा। इन्नल्लाह काना अलीमन खबीरो, क्योंकि यकीनन अल्लाह ताला इल्म वाला, हर चीज की खबर रखने वाला है। इसमें यह सिखाया गया है कि अगर दोनों में कुछ भी इंक्लिनेशन है, अगर शोहर और बीवी में ऐसी कोई चाहत है कि दोनों मिल जाए, तो अल्लाह उन्हें मिला देगा। लेकिन तरीका क्या है? तरीका यह है कि कोई एक ऐसा रिप्रेजेंटेटिव हो जो लड़के के घर की तरफ से हो, और एक हो जो लड़की के घर की तरफ से हो। तो आपके घर के ना कोई बड़े हैं, उनको इन्वॉल्व करो, आपके घर में कोई समझदार शख्स है,
कोई हिकमत वाला शख्स है, आपके रिश्तेदारों में कोई ऐसा है, आपके दोस्तों अहबाब में कोई ऐसा शख्स है, उसे मिलाइए और लड़के और लड़की की तरफ से दोनों रिप्रेजेंटेटिव मिलेंगे और मसले को हल करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह ताला ने वादा किया है कि दोनों अगर सुलह चाहते हैं तो अल्लाह दोनों को मिलाएगा। और एक चीज है जो हमें सुन्नत से मिलती है, हम देखते हैं कि अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार अपनी बीवियों से अलायदगी इख्तियार किया था, मतलब सेपरेशन इख्तियार किया था उनके करेक्शन के लिए। और ये भी एक तरीका है, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो थोड़े दिनों के लिए बीवी से अलग हो जाओ, चंद दिनों के लिए, 10 दिन, 5 दिन, हफ्ता, 15 दिन, 1 महीना, याद रखिए 4 महीने से ज्यादा मत क्रॉस कीजिएगा, तो अलग हो जाओ। कई बार ये अलग रहने से फिर से कदर हो जाती है। आप तो जिंदगी भर अलग रहने की बात सोच रहे हैं, थोड़े दिन तो अलग रह लो, थोड़े दिन अलग रह लो, हो सकता है थोड़े दिनों में कोई सलूशन निकल आए। अल्लाह के दीन की दावत और लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को जरूर लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें। आपके इस चैनल को और बेहतर बनाने के लिए आपका साथ जरूरी है। iPlus TV, बेहतर जिंदगी के लिए। अपने केबल या DTH ऑपरेटर से iPlus TV आज ही डिमांड करें। iPlus TV फ्री टू एयर और इंडियन रजिस्टर्ड चैनल है।